देखे यहाँ पे दाल चावल बन चुका है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे भिंडी की भाजी बन रही है और ये पीला चावल हम लोग आज रात का थोड़ा चावल बच जाता तो हम लोग इसको पीला कर लेते हैं। और इसमें दाल है और इसमें सादा राइस है, ठीक है। हम लोग ने हमारी बेबी का फेस वॉश कर चुके हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। तो देखिए अभी इसको रैप कर रहे हैं। दो दिन के बाद मेरा भी फेस रिवील होने वाला है। देखो हमारी बच्ची को हम लोग बांध रहे उसका मुंह खुला के रो रही है। दो दिन के बाद मेरा भी फेस रिवील होने वाला है। और हम लोगों को कमेंट करके बताना कि कैसी लगे हमारी बच्ची। मम्मी चलना मैं सुना रही हूं। तो गाइस मैंने वोटिंग देके आ चुकी हूँ। वोट देखे आप लोगों ने किसको दिए हैं जरूर कमेंट करके बताना। मशाल को आप लोगों ने किसको दिए हैं जरूर कमेंट करके बताना। रेसिपी तो मैंने यहाँ पे छोला भिगा दी। मैं इसको अभी कुकर में डाल दूंगी 3 से 4 सीटी होने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे मैं इसको बनाती हूँ। के मस्ती कर रहे हैं। ये बोलती जरूरी है कि मेरा वोट मैं इसको क्यों दूं? इसको रखने के लिए बन रही है। ये ना दुनिया में नहीं है ऐसा ऐसा इसका कुछ प्रूफ ही नहीं है। देखो मैं कहा मेरा सब कुछ प्रूफ है। ये बोलती मेरा वोट देने के लिए ना इसलिए ना मैं नहीं मैं नहीं नहीं ऐसी छोटा शब्दों का भी नहीं है। शब्दों का भी नहीं है। शब्दों और ये सेम है। अरे तू गाली क्या मशान को दिए है मशाल को दिए है। सॉरी गलत आ गया। हम कांग्रेस वाले हो हम नहीं है। हम क्या भाजी वाले नहीं है। बीजेपी वाले नहीं है। हम लोग भाजपा वाले नहीं है। नो बीजेपी अम्मा कांग्रेस ओनली कांग्रेस वाले है हम लोग सामने हम लोग बना रहे हैं आज छोले पूरी। तो छोले की रेसिपी दे रहे हैं। तो इसमें पहले कांदा ऐड कर लेंगे। तो कांदे को थोड़ा रेड होने के लिए रखेंगे। कांदा अच्छा रेड होने तक का भून लेंगे। जब अंदर ऐड होने से लगा भून देंगे तो थोड़ा टमाटर अच्छे से गला लेंगे। अच्छा मिक्स करके उसको गला लेंगे। थोड़ा वो एकदम स्मूथ ऐसा नरम नरम होगा तब उसमें लोग मसाले चालू करी। तो गाइस अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो हम लोग को जितना नमक लगता है हम लोग उसमें लगा देंगे। तो मैं इतना नमक डालूँ इसके अंदर। नमक से क्या है ना जल्दी गल जाता है ना, इसलिए नमक डालना जो बहुत ज़रूरी है। फिर नमक से फटाफट गलेगा। फिर टमाटर इससे नरम होने के बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी। गाइस यहाँ पे अभी बन चुका है पूरी। अभी इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस देखिए मैं नमक यहाँ पे टमाटर को अच्छे से घोट रहे हैं क्योंकि नरम हो चुका है। इसको मसाला डाल के उसको मस्त में मिक्स करा जाना। यहाँ पे मिर्ची हरी मिर्ची डाल रहे हैं। हरी मिर्ची ऐड करेंगे और अभी इसको मस्त मिक्स करेंगे। यहाँ पे हल्दी डाल रहे हैं ऐड कर लेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्ची की भुक्की और थोड़ा ऊपर से और थोड़ा ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर रहे अच्छे से मिक्स कर लेने का। थोड़ा तरी आने तक का इसको पका लेने का एकदम धीमी आंच पर।
तो गाइस अभी इसमें छोले ब्रेड मजा लें, एक चम्मच डाल देंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा आलू, इतना मैं छोले ब्रेड मसाले डाली। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा 2 मिनट। तो गाइस अभी इसको बाउल में निकाले जा रहा है और इतना अच्छा गला हुआ है देखो। तो गाइस अब मैं छोले ऐड कर लूंगी, छोले अभी पूरा छोले इसमें मिक्स कर लूंगी, थोड़ा गैस को स्लो कर लेंगे, इसका अच्छे से हिला लेंगे, इसे मिक्स करेंगे। पूरी तलने के लिए तो आपको जितना तेल लगेगा उतना। यहाँ पे मैंने हमारी पूरी बन के रेडी हो चुकी है, पर इसको फ्राई करना रह गया है। पूरी फ्राई करने तेल अच्छे से गरम कर लेना, पहले दूसरे में पूरी को अच्छे से अलट पलट कर लेना। मैं एक एक करके डाल रही हूँ और आपको आपके साथ दो दो करके डाल सकते हैं। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे नहीं है कि मेकअप मेरा कैसा लगा आपको और कैसा मेकअप चाहिए आपको, आप ज़रूर बताना। तो आप लोग कुछ बोल रहे ही नहीं है, तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, क्यों मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है क्या आप सबको? तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो गाइस देखो हमारा छोले पूरी बन चुका है, मैं छोले पूरी खा रही हूँ। तो गाइस देखिएगा मैं छोले पूरी खा रही हूँ, खा के बताती हूँ। खाने का स्टाइल ऐसा किसी को भी नहीं आएगा पापा। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा छोले पूरी, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आइए आप भी खाने। गाइस अभी हम खा रहे हैं मिठाई और गुलाब जामुन। अभी हो गए रात के 3 बजे, तो मैंने पूरा किचन क्लीन कर दी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिएगा हम लोग का किचन माशाल्लाह कितना साफ लग रहा है। मैंने अभी पूरा बर्तन धो के पूरा क्लीन कर दी और गुलाब जामुन। देखें यहाँ पे खा रहे हैं गुलाब जामुन। तो कुछ बोलो बोलो मासी, आइए गाइस आप लोग भी खाइए। पापा देख रही है ना गुड्डू, है ना मम्मा। तो रात में मीठा खाने के आदत, हम लोग थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं, बाकी अभी मैं फ्रिज में रखती हूँ। और किचन साफ हो गया, हम लोग ने सब खाना वाना वगैरह सब फ्रिज में रख दिए, पूरा बर्तन धो ली मैंने, देखिएगा फिर वापस सुबह में वैसे ही किचन हो सकता है। ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, अल्लाह फिर बाय बाय टाटा। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, घंटा बटन दबाना मत भूलना। तो हमारे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए, हमारे व्यू नहीं आ रहे क्या करना चाहिए आप लोग बताओ। आप लोग जैसे बोले हम लोग वैसे ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताना कि हम लोग कैसे ब्लॉग बनाना चाहिए, प्रैंक बनाना चाहिए या फैमिली ब्लॉग, आप लोगों को जैसा पसंद है तो वैसे बताएंगे हम वैसे बनाएंगे। तो मैंने बनाई हूँ छोले पूरी, तो मैंने उसकी रेसिपी डाल दी, तो आप लोग स्क्रीन पे देखकर समझ ही गए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। तो टाटा बाय बाय।